लेबर वाला बंदा चाहिए था। लेबर के लिए एक बंदा चाहिए। दीपक लेबर लेबर क्या काम है? घर की शिफ्टिंग का थोड़ा सा काम है। शिफ्टिंग का चलते हैं। एक ही बंदा चाहिए। एक ही बंदा आप आ जाओ। कहाँ पर है? डकोली। डकोली छोड़ जाऊंगा मैं वापस। ज्यादा सामान नहीं, थोड़ा सामान ही है। दिहाड़ी से दिहाड़ी दे देना। दिहाड़ी दे देना। आप बोलो कितने लेते हो? 600 रुपए लगेंगे। बैठो कल ले, मैं अकेले रख लूंगा। बैठ दो बंदे मेरे हैं, आता हूँ वही शाम को। पैसे भी थोड़े ठीक कर लो, सामान कम ही है। वो नहीं सर, खुद ही दे देना। बस सामान ज़्यादा नहीं, एक ड्रेसिंग टेबल है। हाँ जी। एक अपना वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है। तुम अपना सामान बोलो ना सर, ड्रेसिंग टेबल के बीच में ले रहे हो सर अपने सामान की बात। जो भी सामान है दो। अरे अपना, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा मतलब सामान तो हम दोनों का ही है। नहीं दोनों का नहीं, मैं यहीं रह रहा हूँ, तुम जा रहे हो बस। जस्ट शट अप ओके। दोनों का सामान है भैया, और सामान के पैसे आपने इनसे लेने। सामान के पैसे मैं दे दूंगा, चाहे डबल पैसे ले लेना, लेकिन सामान इनका लेके जाना है। कोई नहीं, आप यहाँ बोलोगे। मेरा सामान का क्या मतलब होता है? हमारा होता है यार। कल मेरी तुम्हारे भाई से भी बात हो चुकी हुई है, उसने भी बोल दिया हुआ है कि कोई बात नहीं, तुम दीदी को भेज दो, मैं अपने आप देख लूंगा। क्या भेज दो मतलब? क्या तुम मुझे एमआई के भेजने की तैयारी कर रहे हो क्या? तो तुम्हारी सोनू से अभी तक बात नहीं हुई क्या? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। तुम क्या बंदे हो सच में, हे भगवान, कैसे इंसान से मेरी शादी? तो तुम ये सोची जा रही हो कि मैं कहीं जा रहा हूँ? मुझे ये लग रहा है कि हम दोनों कहीं जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, तुम अकेली जा रही हो और अपने अपने भैया के पास जा रही हो बस। मुझे शट अप ठीक है ना। मैं क्यों जाऊंगी, घर मेरा है, तुम जाओ, तुमने जहाँ भी जाना है। यार मेरा ना ज्यादा दिमाग खराब ना तुम करो। मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो। भैया भैया को फोन कर, मुझे तो भैया ने कोई फोन करके कुछ नहीं बताया। तुम कर लो फिर उससे बात। मैं क्यों करूँ? तुम करो, तुमने जाना है, तुम जाओ, तुम अपनी तैयारी। मैं क्यों नहीं जा रहा? मेरा घर है, ये घर मेरा है। तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम्हारा घर कैसे हो गया? इसकी इंस्टॉलमेंट्स मैं दे रहा हूँ। तुम्हारा सिर्फ जो तुम्हारे शादी के टाइम पे जो सामान आया था बस वो लेके वापस जाओ। अच्छा जाता ना, बोलो मत। भैया बताओ यार, कैसे समझाओ इनको, ऐसे होता है? घर तो हम दोनों का है कि नहीं है भैया, बताओ मुझे। मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी आपस की बात है यार। ऐसी औरत के साथ कोई रह सकता है? क्यों यार, बना के रखनी पड़ती है ऐसी बात। यार बना के किसी इंसान के साथ रखो, चुड़ैल के साथ कहाँ रखो। शौक पता कैसे पाले हुए हैं? शौक पता तुम्हें कैसे? तुम्हारे शौक बहुत अच्छे हैं, है ना? मेरे शौक के नाने चले। अरे यार सुनोगे ना, आप शादीशुदा? हाँ जी। सुनोगे ना कि कैसे कैसे शौक पाले हुए हैं, पूछो जरा। अब तो रात को भूतनी बन के लोगों को डराती है। तुम्हें भूतनी बन के डराया था मैंने शादी से पहले? तुमने चेक क्यों नहीं किया? शादी से पहले मेकअप के पीछे मुझे क्या पता था कि एक चुड़ैल है? अच्छा भैया मैं आपको चुड़ैल नजर आती हूँ, आप मेरी तरफ देखो जरा। मैंने देख लिया, कोई नहीं। नहीं मैं आपको चुड़ैल नहीं, एक बार चुड़ैल कह नहीं सकता मैं, तो ये बात तो है। मुंह साफ करके दिखाना जरा एक बार असली चेहरा अपना। एक्सक्यूज मी, मेरा असली चेहरा यही है ठीक है? तुम्हारा या असली चेहरा तो मुझे शादी के बाद पता लगा। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, कैसे कैसे इंसान से शादी करी मैंने। यार अपना हाथ कंट्रोल करो, बाहर के आदमी के सामने तुम मेरे को मारी जा रहे हो। रिलैक्स, आराम से कंटिन्यू अपने। अच्छा तुम बाहर के आदमी के सामने अपनी बीवी को चुड़ैल बोल रहे हो, ये बात सही है ना तुम्हारी? क्यों झगड़ा कर रहे हो, पागल हो गए? झगड़ा हमेशा ये करते हैं, मैं नहीं करती कभी भी। झगड़ा हमेशा आदमी ही करता है। मेरे शौक की बात कर रहे हो, इनके शौक मैं आपको बताऊं भैया, पिछले हफ्ते इन्होंने अपने लिए ड्रेस मंगाई, मेरे लिए तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं मंगाते। कार्टून ड्रेस, डोरेमोन की ड्रेस मंगाई अपने लिए, और ऐसे बंदे के साथ वो ड्रेस पहन के मेरे साथ जाएंगे? बताओ यार, ये पर्सनल बात है मेरी, तुम किसी के साथ? तुमने अभी कौन सी पर्सनल बात उनसे नहीं करी? ये कोई बात होती यार, अपने शौक होते हैं। मेरा शौक, तुम्हारे शौक, शौक और हमारे शौक।
लोगों को चुड़ैल बना के शादी के बाद तो ना हस्बैंड्स को ना पड़ोसियों ने बीवी सारी चुड़ैली लगती है। पड़ोसियों ने मेरी बीवी चुड़ैल लगती है ना, मेरे तो घरवाली है, मैं क्यों चुड़ैल। तो फिर देख लो ये मुझे कैसे चुड़ैल बोल रहे हैं बताओ भैया। हे भगवान मेरी तो कैसे इंसान से शादी कर दी मैंने तो। आपस में क्या भी लेते हैं कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते इस बात के लिए। बुरा इस इंसान के तो जीना हराम हो गया मेरा तो। यार तुम इनके शौक सुनोगे कैसे कैसे शौक है। सबके ही शौक है यार, ऐसे नहीं अपने भी शौक है तो घर वाले। भाई साहब आधी रात को 2 बजे मैडम का शौक उठता है कथक करने का। अच्छा कथक कैसे करना है? मंजोली का बन के करना है तो करो, घर के अंदर करो, बाहर बरामदे में खड़ी होके कथक करना है। बताओ यार मेरा घर है मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। अरे मेरा ब्लॉक में से निकलना दोपहर हो गया, बोलो मत ठीक है ना। यार ब्लॉक में से घर की बातें इधर उधर करी जा रहे हैं। सामने वाला सचिन पता क्या बोलता है मेरे को, जितनी बार मैं निकलता हूँ हमेशा हर एक के सामने नाचूं गाऊं झूमूं व्हाटएवर मेरी मर्जी। वो हमेशा मेरे को निकलते हुए टॉन्ट मार देता है, चुड़ैल का पति जा रहा है, चुड़ैल का पति जा रहा है, चुड़ैल का पति। और तुम क्या हो फिर राक्षस? तुम्हें तो राक्षस होने चाहिए ना। ठीक है भैया मेरी शौक की बात एक बार बताओ, जब भी मैं कोई परफ्यूम लेती हूँ ना हमेशा मेरा परफ्यूम यूज कर लेते, क्यों यूज करते हो बताओ? क्रेडिट कार्ड मेरा, मेरे कार्ड में से जो परफ्यूम लिया मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने लगा लिया। लगता भैया आप उसकी साइड कैसे बोल रहे हो? पसंद चीज आई आपके लिए तो इससे बढ़िया क्या? वो अपनी चीज तो मुझे हाथ में नहीं लगाने देते। ये देख लो ये भी मेरी फेवर में बात कर रहे हैं, बताओ मेरी फेवर में बात। वो लड़का है ना इसलिए आपके फेवर में बात कर रहे हैं। ना मैं किसी के आपके पक्ष में मैं बोल ही नहीं सकता, क्यों परफ्यूम वाली बात हो गई, आप लेके आए इस्तेमाल कर लिए तो कौन सी बुरी बात। हर चीज मेरी यूज करते, शैम्पू भी मेरा यूज करेंगे, आपको तो खुशी, आपके लिए तो खुशी होनी चाहिए कि मेरे घर वाले अपनी चीज नहीं हाथ लगाने देते। देते हो अपनी चीज बताओ मुझे, ये गलत बात है यार। आदमियों वाली चीज इसने क्या करनी है? अब बताओ शेविंग क्यों तुमने ये शेविंग क्रीम इसको चाहिए? मेरी लिपस्टिक में तुम लगा लिया करो ना फिर, वो क्यों नहीं लगाते? इतना तो मेरे में दिमाग है, क्या साड़ी भी पहन लिया करो, चूड़ी भी पहन लिया करो। मेरे को एक बात बताओ, शिफ्टिंग शूटिंग का छोड़ो, इसको उड़ाने का क्या लोगे ये बताओ मेरे को। भाई ये काम नहीं करते, बता अच्छा, मेरे को कोई इंसान है क्या इंसान? मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे तुम यार, आपने शिफ्टिंग के लिए ले यार। आप मेरे को ये बताओ, थोड़ी देर में आपने देख लिया अभी क्या मेरी हालत कर दी है, 2400 घंटे यही हो रहा है। इनको उड़ाओ, इनको इनको उड़ाओ आप। क्यों यार पागल हो गया, बच्चे वहां से गला दबा के ना मार के मत मार तुम, मैं तो देखना यार अच्छा नहीं लगता यार। तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी तो, इस इंसान से शादी कर ली मैंने, मुझे मारने की बात। भैया बताओ आप क्या वैसे लोग इनको मारने के, बताओ यार, मार दो यार मेरे को, मुझे बताओ मेरे को ही मार दो यार, मैं मार दूंगी तुम्हें, मार मार दो यार मेरे को ही मार दो, मेरे को मारने के ले लो जो पैसे लेने, इससे क्या मेरे से ले लो, इसको मारो मारो मेरी जिंदगी से छुटकारा मिले यार। लॉक खोलो यार, मैं बताऊँ यार, यार आधी रात को मेरा उठा के मेरा गला दबा देती है, मैं क्या करूँ यार, मेरे को उतार दो भाई यार, मैं बताऊँ मैं क्या हूँ यार। आपने काम शिफ्ट के लिए लेके भैया बताओ, चाकू लेके आए हो आप? ना भाई मैं ये काम नहीं करता, मैं बताऊँ दबाओ जरा गला इनका, दुखी होगी मैं तो, दुखी परेशान हो गई मैं तो, परेशान। आप बताओ यार इस टाइम पे कौन ज्यादा परेशान है? आप ये परेशान लग रही है कि मैं लग रहा हूँ? बताओ यार, मैं यार वैसे भी यार परेशान बनता हूँ यार, मेरे को क्यों यार इतना वो कर रहे हो? तो आप किस चीज से? आप भी अपनी बीवी से परेशान हो? मैं तो नहीं हूँ यार, मैं तो मालिक की दुआ से। तो यही बंदा है जो अपनी बीवी से परेशान है? मैं परेशान हूँ अभी, कह रहे हो खुश रहो, इधर बोलो यार। अपने घर से यार बात है यार, ये कोई बात तो नहीं होती यार आपकी तरह यार लड़ाई झगड़ने वाले यार, कि भाई छुरा लेके आया कि ये लेके आया, मैं ये काम नहीं करता भाई। अपने हाथ तो है ना दबाओ, गला दबा के ना मुझे छुटकारा दिलाओ भाई। दोनों में से एक काम कर दो, या मेरा गला दबा दो या इसका गला दबा दो, दोनों में से किसी को छुटकारा दे दो। मेरे को यहाँ पर उतार दो, आप चले जाओ फिर। गला तो ना मैं तुम्हारा दबा दूंगी, देखना जरा, दबा के मार दूंगी मैं। दबा ही देगा, दबा दिया, दुखी कर दिया मुझे तो, दुखी बिल्कुल परेशान कर दिया मुझे। भैया एक काम करते, साइड में लगाओ गाड़ी जरा, तो मैं तुम्हारा ना आज काम में यही तमाम कर दूं जरा, बहुत परेशान हो गई मैं तुम्हारे साथ, इधर ही पल नहीं रहना चाहती मैं। शमशान घाट के पास ही पहुंच के वहीं पे जाके साथ के साथ क्रियाकर्म भी कर देना मेरा। बताओ और पराए बंदे को बोलते हो कि मैं इसका कत्ल कर दो, बस यही दिन रह गया देखने को, इसीलिए तुमने मुझसे शादी करी थी ना, मस्ती मारी गई थी मेरी। ऐसी औरत के साथ आप रह सकते हो ये बताओ? अरे भाई मुझे नहीं पता इस बारे में यार, ना तो आप क्या मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, ऐसी मैं नहीं कह सकता कोई बात है, आपकी आपस की बात है।
रह सकते हो तो बताओ यार। तुम में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जाओ दफा जिस दुनिया से ही दफा हो जाओ। तुम ले जाओ यार इसको, ले जाओ। तुम मत जाओ, क्यों वो क्यों लेके जाएगा भाई? ले जाओ इसको, वो क्यों लेके जाएगा? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ कि इसकी वाइफ हूँ? बकवास देखो इंसान की, अकल नहीं है दो पैसे की भी। खाऊं 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 करने के आता तो और कुछ नहीं है। ये गला जो दबाया उसकी वजह से हो रहा है। गला जो दबाया, कभी तो आप मुझे बोलते सुबह तूने मेरा गला दबाया है। सुबह उठा मैं, परसों की बात सुन लो। सुबह उठ के मैं गया बाथरूम में ब्रश करने के लिए, सामने शीशा, शीशे में देख रहा हूँ मेरी मूछें बनी आई हुई पेन से। पूरा दिन मैं घर पे बैठा रहा, उसको साफ करने रगड़ रगड़ साफ करता रहा। अच्छा, रात को तुम सोते किस तरीके से हो भैया? कभी इधर पैर मार रहे, कभी उधर पैर मार रहे, बंदे की नींद खराब होगी। बंदा क्या करूँ रात को, बंदा कुछ तो आइडिया करेगा, फ्री माइंड है मेरा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी ना भैया। वेला आज बंदा क्या करे, तुम मुझे सोने नहीं देते तो मैं क्या करूँ? बंदा कुछ तो करेगा, टाइम पास करने के लिए दूसरे बंदे का टाइम ही खत्म कर दो। टाइम खत्म कर दो, मुझे ही बनाई थी और क्या कर दी? कितनी बार बोला मैंने कि तुम मुझे रखा करो, तुम क्यों रखते क्यों नहीं हो? बंदा टाइम पास तो करेगा ना यार। आप मेरे से काम करवा लो, पैसे मत दो, बस बात खत्म है। नहीं नहीं, काम क्या करो? हाँ तो काम जो मैं बोल रहा हूँ वो ना, ना भाई मैं यार आपके हाँ जोड़ भैया, आप एक काम, मैं आपको बोलती हूँ, जब मैं बोलती हूँ इसका गला दबा दो, मैं तो गला दबा दबा के मार दूंगी इसको तो यहीं पे, सच में कह रही हूँ। यार आपने शिफ्टिंग के लिए बोला था काम के लिए, इस काम करने के लिए मना तुम नहीं करते। भैया आप एक चीज बताओ, आप कहीं में जाके अपनी बीवी की बुराइयां करते हो किसी दूसरे बंदे के सामने? नहीं करते ना। ये कैसा पति मिला है मुझे, कैसा पति? खांसी तो है, क्यों इतना बुरा बोल रहे बंदे के? बुरा क्या, आपके सामने मेरी बुराई कर रहे? देखो इतना स्मार्ट बंदा है, दिमाग से भी तो स्मार्ट होना चाहिए ना। स्मार्ट बंदा आप भी स्मार्ट हो, मैं आपके लिए भी गलती नहीं कह रहा। मैं देखो आपस में डिस्कस करना पड़ता है, हल्का फुल्का है नहीं है। आपने कहा किसी ने सुना, इस तरह अच्छी नहीं लगता है ना आपस में झगड़ा, बुरा लगता है मेरे को। आप ना बहुत समझदार इंसान लग रहे हो। थोड़ा सा हमें समझाओ जरा कि कैसे आपस में मिलके रहो यार। कैसे मिलके रहे, समझाओ। घर पे उनके पीछे जरा सी बात होगी कि मेरा इस्तेमाल करते, चलो किसी की चीज अगर इस्तेमाल करता है कि हाँ मेरी पसंद से मैं लेके आई हूँ, आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इतनी बढ़िया क्या बात है कि चलो तो मेरी वो मुझे अपनी चीजें हाथ क्यों नहीं लगाने देते? तो जो चीज है फिर आपका भी यार गलत बात है यार। मैं गलत बात है कि नहीं है बताओ? अभी तो मैं स्मार्ट था यार, तो स्मार्ट है उन्हें यार, मैं गलत सुन रहा हूँ। मेरे से अच्छी अपनी चीजें हाथ लगाने नहीं देते मुझे बिल्कुल भी। अगर मैंने छू लिया ना तो बस। अभी मेरी गर्दन नहीं छुई, नहीं मैंने कुछ बोला कौन यार, बेबियां होती हैं गर्दन दबाने के लिए। आपकी दबती है क्या? हाँ सच्ची है, दबती है, चलता है। झूठ नहीं यार उसमें, हकीकत। क्यों यार बच्चे जब शादी गला दबाने के लिए होती है उसमें। भाई साहब बड़ा अफसोस है कि ये वीडियो आपकी बीवी तक भी जरूर पहुंचेगी, और आपने आपने अपने मुंह से ये बात मान ली कि आपकी बीवी आपका भी गला दबाती है। हर किसी की दबाती है भाई, जरा इतना भी सामान चाहिए ना कि मेरे को ये चीज लाना है। भाई आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पंदर है, वाइफ का नाम है रविता। रविता रविता मैम ये वीडियो आप देखना, आपके हस्बैंड क्या बोल रहे हैं कि बीवियां होती है गला दबाने के लिए। हमारा एक प्रैंक था, हमने इनके साथ किया, ये हमारा लगा कैमरा, वो लगा हमारा कैमरा, और हम आपके साथ कर रहे थे मजाक। हम कर रहे थे मजाक इनके साथ, सॉरी। लेकिन मजाक मजाक में आपके दिल की बात तो निकल गई भाई, देख लो कि बीवियां होती ही गला दबाने के लिए। भैया वो हमारा कैमरा लगा, हम सिर्फ प्रैंक, नहीं नहीं कोई नहीं, मजे कोई मजाक कर रहे थे ठीक है, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। देखो अपना ये काम है, हम असल लाइव अपना तो काम से जो चौक पे आते हैं भैया, मिल गया काम मिल गया, नहीं तो अपने घर पे। अरे नहीं नहीं, हम असल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है भी नहीं, है भी नहीं। देखो ये मैं समझ गया, एफएम में चलता है, मैं बताऊं मैं एक एक्टर हूं ठीक है, मेरा नाम गीता शर्मा है ठीक है, और हम सिर्फ एक प्रैंक कर रहे हैं ठीक है, डोंट वरी, ऐसी कोई बात। मैंने अगर कोई गलती में अगर कोई गलती से कोई मुंह से शब्द निकल दिया नहीं, वो आप अपनी ये सॉरी, अब आप अपनी बीवी को कहना हम ये वीडियो डालेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों यार, बात ये ना फैमिली होती है ना, तो हम तो समझाने का फर्ज बनता है। आप एक काम कर दो, कैमरे में देख के जरा अपनी बीवी से माफी मांग लो। कहाँ ये रहा कैमरा, माफी किस बात की मांगी? आपने ये बोला कि बीवियां होती हैं गला दबाने ना, माफी किस बात की यार, वो तो यार दबाने के लिए होती है। अच्छा उसमें माफी क्या मांगनी है? जो भी रविता जी, बीवियां होती गला दबाने के लिए, तो रेडी रहना इनका गला दबाने के लिए ठीक है। और ये माफी भी नहीं मांग रहे हैं, मैं माफी मांगता हूँ, क्या हो गया डराने के बाद। चलो आप कैमरा को देख के बोलो, इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वाह वाह क्या बात है।